जिसके कारण करीब 10,000 मेरे क्षेत्र की पब्लिक जनता जो है खौफजदा है, और क्योंकि करीबन 4 से 5 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है भगवान नगर सरनाई कॉलोनी सरायकाने का, ये सारे एरिए से ऊपर एक हाई टेंशन वायर जाती है। हाई टेंशन वायर होने के कारण जो भी व्यक्ति छत पर जाता है, साल में लगभग 3 या 4 मौतें सिर्फ उस हाई टेंशन वायर के करंट के कारण होती है। तो अध्यक्ष महोदय, इस बारे में काफी बार पहले भी प्रपोजल रेज कर चुके हैं और मैंने भी कंसर्न मिनिस्टर को इस बारे में लिख चुका हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय अभी तक इस ये जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है और इसमें अभी तक इसका निदान नहीं हो पाया। तो आशा तो मैं गुजारिश करता हूं कंसर्न मिनिस्टर साहब से कि इस बारे में वो थोड़ा अपना ध्यान दें और इस बारे में सोल्यूशन दें हमारे क्षेत्र की जनता को। इसके अलावा एक और यहाँ पे एक बहुत गंभीर इश्यू उठाया था जो मनोज भाई ने उठाया था, इसका पूर्ण तरीके से समर्थन करता हूँ। इसमें एक बात आ रहा है, इसमें करना चाहूंगा कि एक तो ठेके जो है स्कूल के पास है, शराब के ठेके स्कूल के पास है, और दूसरी एक और इसमें कठिनाई है कि जो ठेके जो है वो रिहायशी इलाके में है जो कि जब्बी बस्ती और काफी सारी ऑर्गेनाइज रेजिडेंशियल कॉलोनी भी है। तो मेरी गुजारिश है कि जिस तरीके ठेके हैं वो रेजिडेंशियल कॉलोनी से थोड़े से अलग हो, ताकि जिस तरीके से दुष्प्रभाव शराब का पड़ता है उस तरीके से पड़ना ज्यादा रोका जा सके। और इसमें एक और एडिशनल चीज जो कि मुझे लगता है कि बाकी सदस्य भी इसमें मुझसे मुताबिक होंगे कि जिस तरीके से शराब को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मीडिया प्रोजेक्ट किया जा रहा है टेलीविजन के थ्रू, थिएटर्स के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, कोई भी सॉन्ग उठा लीजिए शुरू होता है शराब से और खत्म होता है शराब पे, तो जिसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पूरी सोसाइटी में पड़ रहा है। और इस बारे में पूरे सदन को सोचने की जरूरत, पूरे देश को सोचने की जरूरत है कि हम अपनी सोसाइटी को किस तरफ ले जा रहे हैं। यह बहुत गंभीर मसला है, और जो एक 2 साल का बच्चा भी अगर देखता है कि शराब को किस तरीके से पैशन के साथ परोसा जा रहा है कि शराब पियो तो पैशन है और शराब के अलावा तुम्हारी जिंदगी गलत है, तो जिस तरीके से शराब को पैशन से रिलेट किया जा रहा है ये बहुत दुखद है। और इस तरीके से किसी भी गाने में जो कि आप चारमोटल रोड का गाना अगर देखें तो उसमें भी किस तरीके से शराब पे चालू हो गए शराब पे खत्म है, तो इस तरीके के बहुत सारे वाक्य जो कि हमारे देश को हमारी सोसाइटी को डाइवर्ट कर रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य जो है खतरे में डाल रहा है।